वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण आपका टॉपिक, महत्वपूर्ण ट्रिकी वीडियो। अक्सर आप लोगों की ख्वाहिश थी, आप लोग कहते थे सर जी रोग और उनसे होने वाले प्रभावित अंग वो कौन कौन से हैं, उस पर एक वीडियो बनाइएगा। तो मैंने जल्दी से उस पर एक वीडियो बनाया। इसके पहले बहुत सारे वीडियोज मैं आपको बना चुका हूँ, आप लोग ट्रिकी जीएस के नाम से उसमें देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको बनाई जाएगी, उसमें आप लोग जाइएगा जहां पर ट्रिक के माध्यम से जितने भी वीडियोज आपके बन सकते हैं वो मैंने आपको बनाए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके वीडियो की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो आइएगा साथियों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय बहुत ज्यादा कीमती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा भी लगा, कैसा लगा। देखिएगा, एक तरफ आपका लिखा है रोग, एक तरफ उनसे प्रभावित होने वाले अंग, है ना। रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंग आपके नजरों के सामने आपके लिखे हुए हैं। आइएगा साथियों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, ये आपका हो गया रोग, ये आपका प्रभावित अंग। तो सबसे पहले रोग आपका है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो आपका है रोग, उसके से कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है? तो साथियों, डिप्थीरिया से आपका श्वास नली आपकी प्रभावित होती है। डिप्थीरिया का मतलब क्या होता है? गहराई में। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का मतलब होता है गहराई में, है ना। डिप्थीरिया का मतलब होता है गहराई में। तो यानी कि जो नली होती है ना, नली, नली में होता है पानी, और पानी हमेशा गहराई में होता है कि नहीं होता है? पानी हमेशा गहराई में होता है ना, गहराई में। तो इस तरह से आप लोग याद करिएगा कि डिप्थीरिया के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग आपका श्वास नली। अब बात आती है टैक्रोमा। टैक्रोमा के द्वारा जो आपका प्रभावित अंग होता है वो आपका होता है आंख। क्या? आंख, है ना, आंख। टैक्रोमा के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग होता है आंख। कैसे याद रहेगा? टैक्रोमा का मतलब हो गया ट्रैक, है ना। इसका मतलब हो गया क्या? ट्रैक। ट्रैक जानते हैं ना आप लोग, जो पटरियों का ट्रैक होता है। तो अगर आपको ट्रैक पर चलना होगा तो ट्रैक पर चलने के लिए आपको आंख की आवश्यकता पड़ेगी। बिना आंख के आप ट्रैक पर कैसे चल पाओगे? तो नहीं चल पाओगे ना। बहुत बढ़िया। अब बात आती मलेरिया की। बात आती क्या? मलेरिया। तो मलेरिया के द्वारा जो आपका अंग प्रभावित होता है वो आपका होता है कि तिल्ली और आरबीसी। मलेरिया यानी कि किससे होता है? मच्छर के काटने से। जब आपको मच्छर काट लेगा तो आपका क्या होगा? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को पी लेता है खून। खून को पी लेता है कि नहीं पी लेता है? मच्छर के काटने से आरबीसी का वो खाता है, आरबीसी को पी लेता है। तो याद आपको रहेगा। और तिल्ली, जैसे मछली मच्छर काट लेते हैं तो तिल हो जाते हैं हमारे, जैसे हमारे बॉडी पर तिल होते हैं ना, छोटे छोटे से पॉइंट। तो इसी तरह से हमारे बॉडी पर छोटे छोटे से पॉइंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि मलेरिया के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग आपका तिल्ली और आपका आरबीसी। साथियों, अगर आप ट्रिक के माध्यम से नहीं समझोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चीजों को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, चीजों को आपने बहुत बार समझा होगा, लेकिन आप बराबर भूलते जाते हो। आपके इम्तिहान में, आपके पेपर में हमेशा सरल क्वेश्चन आते हैं, हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मजबूरी यह होती है कि विकल्पों के माध्यम से आप लोग भ्रमित करते हो और पेपर में गलत कर आप लोग आ जाते हो, क्योंकि वहां पर आपके विकल्प आपको उसी से संबंधित आपको मिलेंगे और आप लोग फाइनली गलत करके आओगे, अगर आपने चीजों को ट्रिक के माध्यम से, चीजों को अंडरस्टैंडिंग, चीजों को अच्छे से नहीं समझा है तो। अगला देखते हैं टिटनेस। टिटनेस के द्वारा प्रभावित होने वाला आपका अंग होता है तंत्रिका तंत्र, है ना। टिटनेस के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। यार कैसे रहेगा? देखो, टिटनस, नस, ये जो हमारे बॉडी में नस होती है ना, नस है, तो नसों का एक तंत्र होता है। तंत्र का मतलब क्या होता है? जाल। नसों का हमारे बॉडी में एक तंत्र होता है, जाल। तो यानी कि टिटनस, टिटनस के द्वारा क्या होता है? तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। बात आती है कि हर्पीस। क्या? हर्पीस। हर्पीस के द्वारा भी, हर्पीस भी होता है, उसके द्वारा भी आपका जो होता है त्वचा, त्वचा हमारे प्रभावित करती है। उसके बाद आपकी आती है मेनिनजाइटिस। क्या? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस के द्वारा आपका जो प्रभावित अंग है वो आपका है मुख्य भाग मस्तिष्क का, है ना, मुख्य भाग मस्तिष्क का। ये बात आपकी होगी मेनिनजाइटिस। आप इसको जैसे याद करना है वैसे याद कर लो, ये इसकी ट्रिक मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं हम लोग कोढ़। हमारे बॉडी में कोढ़ हो जाता है, कोढ़ के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग क्या? आपका तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारा प्रभावित होता है कैसे? कोढ़ के द्वारा क्या प्रभावित होता है? आपका तंत्रिका तंत्र। इसके बाद आपकी आती है रेबीज। रेबीज, तो रेबीज के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र। ये भी आपका है, ये आपको याद कैसे रहेगा? बीज, जो बीज होता है ना, जब आप बीज बो देते हो, ये देखो आपने बीज बोया, तो बीज बोगे तो क्या होगा? ये पेड़ आपका पैदा होगा, ये देखो पेड़ पैदा हुआ, और ये पेड़ होता है ये क्या होता है? यही तो तंत्र है ना, ये पेड़ आपका क्या है? आपका ये तंत्र है। पेड़ आपका क्या है? तंत्र। तो जैसे आपने बीज बोया तुरंत ही आपका एक पेड़ पैदा हुआ, यानी कि तंत्र आपका पैदा हुआ, डालियां पैदा हुई, झाड़ पैदा हुआ, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? तंत्र।
तो ये आपको याद हो गया साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को इजी करने के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हो सकते हैं उसको मैंने एक ही वीडियो में देने का आपका एक कोशिश किया है। अगला देखते हैं रोग, पोलियो, पोलियो के द्वारा, ये आपका पोलियो लिखा है तो पोलियो के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग क्या है आपका, तंत्रिका तंत्र है ना, इसके अंदर क्या है, पोलियो है ना, पोलियो यानी कि इसके द्वारा भी आपका तंत्रिका तंत्र ही आपका प्रभावित होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला देखते हम लोग क्या है, चेचक, खसरा और डेंगू, ये तीनों के तीनों रोग आपके हैं, यानी कि चेचक हो गया, खसरा हो गया, डेंगू हो गया, इससे आपका पूरा बॉडी आपका प्रभावित होता है। आपको चेचक हो जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी में चकत्ते हो जाते हैं ना, तो यानी कि पूरा बॉडी प्रभावित हो गया। आपको खसरा हो जाएगा, आपको डेंगू हो जाता है तो डेंगू के द्वारा भी बुखार आता है, और बुखार तो ऐसा था ना कि नाक में बुखार आ गया, आपके केवल कान में बुखार आ गया, एक हाथ में बुखार आ गया, जब बुखार आएगा तो पूरी बॉडी में आता है ना वो, तो यानी कि चेचक, खसरा और डेंगू के द्वारा आपका पूरा बॉडी आपका प्रभावित होता है। प्लेग के द्वारा आपका क्या, फेफड़ा व आरबीसी प्रभावित आपका होता है, प्लेग है ना, प्लेग के द्वारा आपका क्या होता है, फेफड़ा व आरबीसी आपका प्रभावित होता है, ये आपको समझ में आया। और हम लोग देखते क्या, निमोनिया, जब आपको निमोनिया होगा तो यानी कि निमोनिया में आपको क्या होता है, निमोनिया में आपको ठंडी लगेगी, जब ठंडी लगेगी तो क्या होगा, ठंडी लगने पर आप लोग फड़फड़ाओगे, ठंडी लगाने पर क्या होता है, फड़फड़ाना, फड़फड़ाना है ना, जब लोगों को ठंडी लगती है हम लोग फड़फड़ाते ना, तो यानी कि प्लेग से क्या होगा आपका, फेफड़ा और ये क्या नाम, निमोनिया से क्या होगा, फेफड़ा प्रभावित होता है। बात आती है निमोनिया की, जब आपको निमोनिया भी हो जाता है ना तब भी आप लोग फड़फड़ाते ही हो, तब भी आप लोग फड़फड़ाते ही हो, यानी कि फेफड़ा आपका हो गया। क्षय रोग यानी कि टीबी, क्षय रोग यानी कि टीबी, तो देखिएगा टीबी जब आपको हो जाएगी यानी कि आप खांसोगे, जब आप खांसते हो ना तब भी तो आप फड़फड़ाते हो, तब भी तो आपको फड़फड़ाना पड़ेगा, तो यानी कि फेफड़ा आपका हो गया। काली खांसी, जब आप खांसोगे तब भी तो आप फड़फड़ाओगे, तो यानी कि फेफड़ा आपका हो गया। दमा, दमा में भी तो आप लोग खांसते हो, तो यानी कि तब भी आपका फेफड़ा ही प्रभावित होगा। यानी कि अगर मैं इजी भाषा में आपको समझाऊं, खांसने से संबंधित रोग, वह रोग जो आपके खांसने से रिलेटेड है सामान्य तौर से, वह आपके फेफड़ा से रिलेटेड आपके होते हैं, आपके लंग्स से संबंधित आपके होते हैं। इसके बाद आपका आपका इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के द्वारा आपका श्वसन तंत्र आपका प्रभावित होता है ना, इन्फ्लुएंजा के द्वारा आपका क्या होता है, श्वसन तंत्र आपका प्रभावित होता है। इस तरह से आप लोगों ने ये देखा है। और हम लोग देखते हैं क्या, इसके अलावा फ्लू, जब आपको फ्लू हो जाएगा तो इसके द्वारा भी, फ्लू का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको कहना चाहूं तो फ्लू का मतलब यहां पर क्या होता है आपका, फूल। फ्लू का मतलब क्या हो गया, फूल, यानी कि जब फूल आपके खिलेंगे, फूल आपके खिलेंगे तो उसमें भी आपके तंत्र आते ना, बहुत सारे तंत्र, तो यानी कि श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र आपका प्रभावित होगा। फ्लू के द्वारा क्या होगा, श्वसन तंत्र, फ्लू जब आपको हो जाता है तो यानी कि क्या, श्वसन तंत्र आपका प्रभावित होता है। रिकेट्स, साथियों देखो मैं चीजों को इजी कर रहा हूं, बाकी मटेरियल सारा का सारा आपका एक जगह आपको मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप किताबों को उठा के देखोगे तो वहां पर चीजें अलग अलग जगह आपकी लिखी हुई हैं, उन सबको एक जगह केंद्रित कर दिया मैंने, और केवल उन्हीं पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा किया जो आपके इम्तिहान में, आपकी परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर आप लोग अपनी सुंदर भाषा में, सुंदर राइटिंग में आप लोग इसका एक नोट्स बनाइए, ताकि परीक्षा में जाने से पहले, इम्तिहान में जाने से पहले एक बार कम से कम उसका रिविजन कर पाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका अगर नोट्स आप लोग बना लोगे तो यानी कि एक दिन में आप पूरा का पूरा जीएस का एक रिविजन कर सकते हो, और बहुत ज्यादा मदद आपको मिलेगी इम्तिहान में जाने से पहले, ठीक है ना। तो फिलू से क्या होता है, श्वसन तंत्र। रिकेट्स, रिकेट्स से क्या होता है, हड्डियां। रिकेट्स का मतलब होता है रैकेट, रैकेट यानी कि जब आप रैकेट खेलते हो ना, चिड़िया बल्ला, जब आप रिकेट रैकेट खेलते हो ना तो उससे क्या आपकी हड्डियां मजबूत होती है ना, हड्डियां, जब आप रैकेट खेलते हो ना यानी कि आपकी हड्डियां मजबूत होगी। एथलीट फुट, तो ये तो आपको दिख ही रहा है, एथलीट फुट से आपका पैर प्रभावित होता है। घेंगा, क्या, घेंगा से आपका थायराइड ग्रंथि है ना, जब आपको घेंगा हो जाएगा तो घेंगा के माध्यम से आपका क्या, थायराइड ग्रंथि आपकी प्रभावित होगी। आप इसको याद कर लीजिएगा अपने मन से, है ना, घेंगा के द्वारा आपका क्या होगा, थायराइड ग्रंथि। पीलिया, पीलिया से क्या होता है, लीवर, जब आप कोई भी चीज को पी लिया, जब आप कोई भी चीज को पी लोगे तो यानी कि वो लीवर से संबंधित होगा, क्योंकि लीवर में पीने वाली चीज जाती है। हम लोग कहते हैं ना, शराब मत पियो मेरा लीवर खराब हो जाएगा, हम लोग कहते हैं ना कि शराब मत पीजिएगा मेरा लीवर खराब हो जाएगा, जब आप कोई भी चीज को पी लोगे तो यानी कि वो आपका लीवर से रिलेटेड आपका होगा। इसके बाद आपका है पायरिया, ये आपका यहाँ लिखा हुआ है पायरिया, पायरिया जब आपको हो जाता है तो उससे आपके दांत और आपके मसूड़े आपके प्रभावित होते हैं, है ना, दांत और मसूड़े आपके प्रभावित
होते हैं। रिया नाम की जो लड़की है ना, रिया नाम की लड़की ने जब चॉकलेट खाई ज्यादा तो उसके दांत और मसूड़े बेकार हो गए। रिया नाम की जो लड़की होती है ना, उसने ने चॉकलेट खाई तो उसके दांत और मसूड़े बेकार हो गए। एड्स के द्वारा आपका जो प्रभावित अंग है वो आपका प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली जो आपका है वो आपका प्रभावित होता है। इसका फुल फॉर्म आपका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी प्रभावित होती है, और हैजा और टाइफाइड के द्वारा आपकी आंत आपकी प्रभावित होती है ना, क्या आंत, हैजा और टाइफाइड के द्वारा आपकी आंत प्रभावित होती है। कैसे आपको याद रहेगी, याद नहीं कि जब आप कभी भी फाइट करोगे किसी से, जब आप किसी से लड़ाई करोगे, जब आप किसी से लड़ाई करोगे ना, तो लड़ाई करने पर क्या होगा, अंत हो जाएगा। लड़ाई करोगे, फाइट करोगे, फाइट टाइफाइड टाइफाइड, फाइट करने पर आपका आंत प्रभावित होगी, यानी कि आपका अंत हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई, यानी कि हैजा है ना, हैजा और टाइफाइड से आपकी आंत यानी कि अंत आपका हो जाता है, लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से चीजें साथियों हमने इजी करने की कोशिश की है। आप लोग मुझे जल्दी से बताएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है साथियों। चलिएगा आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, फास्ट वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोग इसके अलावा आप लोग मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके, ठीक है साथियों। ओके बाय बाय, टेक केयर, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।